आईपीएल 2021 नहीं हुआ हो तो पोस्टपोन, तो आज होता डबल हेडर और दूसरा मैच हैदराबाद बनाम राजस्थान। पहला मैच ऑलरेडी अपलोड कर दिया चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। रैंकिंग की बात करें, हैदराबाद का सफर पूरा हो चुका है, राजस्थान का आज पूरा हो जाएगा अगर हारता है तो। कॉल आता हो राजस्थान के कप्तान की तरफ से, चुना है उन्होंने टेल्स। हैदराबाद की कप्तानी वार्नर कर रहे हैं इस वक्त समझ लो विलियमसन ने भाई खुद ब खुद ना कह दिया इस गेम में, एक मैच के लिए सिर्फ। टॉस जीत कर राजस्थान ले रहा है बैटिंग, हम आएंगे बॉलिंग और फिर करेंगे चीज। बैटिंग में पेयर बटलर स्टॉक्स और गेंदबाजी में कुमार। मैच की पहली गेंद पे कवर पर शून्य रन, रन शानदार, विकेट सिर्फ एक गंवाया है। कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में लगता हुआ राजस्थान की टीम। बटलर 46-50 से चूक गए, बटलर को स्टॉक्स को भी हम आउट कर सकते हैं तो वो भी 50 से चूक जाएंगे। सैमसन भी 50 की तरफ बढ़ रहे हैं, देखना होगा इनमें से कितनों की 50 लगती है। विकेट एक आया खान को, आप सबके चहीते जाधव जी, अब थोड़ा सा टॉन्ट मार दिया मैंने, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन पहली गेंद जा रही है चार और स्टॉक्स ने कर दिया है 50 के पास स्कोर। 30 गेंदों में 52, एक ने तो कर दिया 50, और देखो कितने करते हैं। साइड में बदलाव, राउंड द विकेट, पिच से मदद कितनी है उसका भी जज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसी बीच फिर से वही मिड ऑन वाला हिस्सा, लॉन्ग ऑन वाला हिस्सा चार देके जा रहा है स्टॉक्स। एक और गेंद का सामना, पील गए 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 गए, नॉट आउट दे रहे हैं। मैं डीआरएस ले रहा हूं, क्लोज होने वाला ये मुझे पता है, हो सकता है बैट तो नहीं लगा था, ये कंफर्म था। सीधा हम लोग बढ़ते हुए यहां पर इस रिप्ले की तरफ, एम्पायर कॉल नहीं है, गॉन गॉन गॉन, सही सोच, अच्छा हुआ डीआरएस लिया। लगातार दूसरा मैच एम्पायरिंग खराब देखने को मिली है, लेना होगा आउट और स्टॉक्स जाएंगे पवेलियन। 56 पे आउट, जादव ने दिला दिए सफर। पर शानदार फॉर्म में है और शुरुआत भी, अजूक भाई नहीं रुक चुक पाए और चार खान तैयार, एक सफलता जो मिली थी वो इन्हीं को मिली थी। शॉट बहुत बढ़िया, मिड ऑफ पे लॉन्ग ऑफ पे बिल्डर था, सिर्फ चुना है लॉन्ग ऑन से और पर्राग ने लगाया है। एक बार फिर से गुगली में फंसाने की कोशिश, गेंद थोड़ा सा नीचे रहा है, पछाड़ा था वो और नीचे रह गया वहां से, और इस बार भी लॉन्ग ऑफ पे चुना है शॉट के लिए, चौका दो बैक टू बैक। थकार के टॉप स्पिन में जाते हुए और इस बार स्ट्रेट पकड़ा बल्ल गेंदबाज को, जर्दी है हैट्रिक चौकों की, नहीं रोक पाएंगे फील्डर। गेम कब बदली तो मैं कहूंगा यहाँ बदली, चौथा चौका इस बार लॉन्ग ऑन। भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि भाई फील्डिंग वीक है, सामने हिस्सा पूरा खाली, वही हिट कर रहे हैं, गेंदें मिल रही है स्लॉट में, मिडल पे गिर रही है, बाहर जा रही है, अंदर भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइड करना चाहे गेंद को, ये लगा शॉर्ट कवर से, वहां भी फील्डर नहीं है और चार रन 5 बार 6 चौकों का मौका। स्लाइडर गेंद, थोड़ा सा बाउंस और लीजिए, जड़ दिए 6 चौके। खान साहब जो विकेट से बहुत खुश थे अपने, एक अफसोस कर रहे होंगे गलत वक्त पे आ गए गेंदबाजी करने। 8 गेंदों में 29 की आती सी पारी, रुकेगी नहीं, थोड़ा सा मेहनत होगा, मशक्कत होगा, फील्डर रोक सकते हैं मुझे विश्वास है, जी हाँ, लेकिन क्या 3 से रोक पाएंगे, क्योंकि निकल चुके हैं तीसरे के लिए, थ्रो मुझे शायद बॉलर की तरफ देना था। जिसमें काले तेज गेंद, लॉन्ग ऑन फिर से जारी है भाई, पूरा एक ही जैसा मैच चल रहा है क्या, सारे शॉट लॉन्ग ऑन, पॉइंट का पोजीशन चौके दे सकता है स्ट्रेट में, अरे इनके सामने फील्डिंग बदली हुई है, पर आग के सामने, अरे सैमसन को लाओ तो, लॉन्ग ऑन पे चौका जड़ते हुए, पिछले ओवर की याद अभी भी ताजा है, और इस बार बेहतर खेला है, 6 जा सकता है सैम, जी नहीं, 1 बाउंस चौका भाई, गया मैच हैदराबाद के हाथ से यहाँ से। हकीकत यह है समझ नहीं आ रहा गेंद डालें कहाँ, देखिए देखिए शॉट देखिए, लेग साइड पे मिड विकेट, गेम हल्का सा फ्लिक और चौका तीसरा। मिस वार्नर आए हैं कुछ सिखाने के लिए, फायदेमंद सिलेक्शन शॉट का, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर भी 2 लेके स्ट्राइक अपने पास दिखा रखते हुए, जानो जी ने कर दी है मिस फील्डिंग इस सीजन के सबसे तेज 50 के बहुत ही करीब। एलबीडब्ल्यू गॉन, कैच नहीं है, ये कम एलबी हैं, गॉन गॉन गॉन, 50 से रोक लिया फाइनली खान साहब, और रन इतने दे दिए यकीन नहीं। फास्टेस्ट 50 मिस पराग, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त डैमेज करके गए, क्या सैमसन 50 करेंगे, लीजिए कर दिया 50, वही लॉन्ग ऑन वाला शॉट, ये राजस्थान का आज के दिन का फेवरेट शॉट निकला है, बहुत रन बनाए, साथ ही साथ कप्तान 50 के पार, अच्छी पारी है, तेज पारी 33 में 51, महंगे साबित तो कुमार भी हुए हैं, और ये देखिए फील्डिंग अच्छा खासा फैला होने के बावजूद फिर से कवर से खेला है शॉर्ट सैमसन ने, चौक, आंखों का हाथों का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, और मिल गया लक का साथ, बॉटम से लगाया है चौका एच के थ्रू, 6 चौकों के चांस फिर से जीवित होते हुए, लीजिए चौथा लगा दिया, 211 पे पहुंचा हुआ राजस्थान, हर गेंद का जवाब है यहाँ, कहने को लेग साइड खाली है, रिस्क ले रहा हूं मैं, ओए ये भी एच के थ्रू कट हुई है गेंद, रुकना चाहिए नहीं तो 5 चौके लगेंगे, नहीं लगे, रुक गई है गेंद, इन द एंड 3 ही आता हुआ। आखिरी गेंद का सामना दुबे,
इन्होंने भी हिट बढ़िया किया है, स्क्वायर से एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, उस पर जड़ दिया है चार, 218 राजस्थान। शानदार जबरदस्त जिंदा दिल राजस्थान भाई, मतलब अभी चांसेस जिंदा हैं तो अभी जीवित हैं इस टूर्नामेंट में, और बढ़िया बैटिंग करके ऑलमोस्ट इस मैच को अपनी साइड कर लिया है। सबने खेला, जितने बैटिंग आए सबने अपना योगदान दिया, सबने 30s के लिए पराग स्टैंड आउट परफॉर्मेंस भाई। भले इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन्हीं का है 14 में 46 वाला, उसी ने इस स्कोर को 190 और 200 के बदले 218 तक पहुंचा दिया। गेंदबाजी में खान दो ले गए, पिटाई बहुत ज्यादा, जादव यहाँ पर एक विकेट, पिटाई बहुत ज्यादा, इकोनॉमिकल रहे अहमद और समद, देखते हैं 219 हमारा सबसे बड़ा चेज होगा कर जाते हैं तो। कप्तान वार्नर विद द बेस्ट ओपनिंग पेयर के रूप में, स्पीड मास्टर आते हुए यहाँ पर, और आर्चर गेंद नीचे रह रही है, सरप्राइज हूँ मैं इस गेंद के रिएक्शन से, लेग बाय का एक रन वही बराबरी पे छोड़ा है, लगभग हमें चाहिए 78 रन 30 गेंदों में, यहाँ से बड़े शॉट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पांडे और विलियमसन खेल रहे हैं, सेट लग रहे हैं, ओपनिंग में बेस्टो ने निराश किया, वार्नर ने ठीक ठाक पारी खेली, आर्चर और मॉरिस को एक एक विकेट, ऑलमोस्ट 16 का रिक्वायर रन रेट। पहला हिट बड़ा, पर डर लगता है बड़े मैदान में, डर आपको डिजर्व भी करते हो आप डरना, क्योंकि ये कैच आउट था, ड्रॉप हुआ है, लेकिन रन आउट की अपॉर्चुनिटी वो भी मिस। विलियमसन एक बड़ा हिट लगा चुके, ये वाइड हो सकती है लेकिन आउटस्विंग हुई है, एम्पायर के लॉजिक पर डिपेंड करता है। चलिए वाइड थोड़ा सा सामने लेना चाहते हैं शॉट, और ये डिसीजन सही साबित होता हुआ क्योंकि कन्वर्ट किया है 6 में पांडे ने। विलियमसन इस बार उची गेंद कंटिन्यू, ये भी वाइड होना चाहिए, वाइड गेंद तैयार सामने खेलने के लिए, लेकिन शॉट्स बदले और ये कैच का चांस एकदम से लाइन बदली, गुड यॉर्कर यॉर्कर यॉर्कर, एक हां वाइड चली जा रही थी, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि पछाड़ेंगे, और पछाड़ी ऐसी कि हमने स्क्वायर में कैच दे दिया डीप में, मैं खेलना चाहता था एक्चुअली फाइन लेग के करीब से, ये चला गया स्क्वायर के ऊपर से, वो भी गलती का रीजन एक हो सकता है, और वही है भी, आसान कैच ड्रॉप नहीं किया, ये अच्छा काम किया, और विलियमसन को भेजा है पवेलियन। नाम छोटे दर्शन बड़े, अगर आप किसी को बोलोगे इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में, मैं समद से बहुत इंप्रेस हुआ, गेम की बात कर रहा हूँ, बहुत इंप्रेस हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया पारी के लिए, 6 लगाए अभी के लिए, स्टॉक से पहली गेंद थी, यॉर्कर लैंड मिल गई, किस्मत वाले थे इस मामले में, और हिट पड़िया 6 रन, यहाँ से रुकना नहीं है, गेंदे आपको, अरे रे भाई शॉट, ये तो परफेक्ट हिट था, ये तो परफेक्ट था, फुल लैंड गेंद आई थी, मिडलिंग हुआ था, फिर भी नहीं, टाइमिंग में गलती, ऐसे शॉट सिर्फ और सिर्फ 6 डिजर्व करते हैं, पर विकेट गंवा दिया हमने। इस मैच में फिर से पीछे हो गए हैं, ऊपर से वाइड यॉर्कर वाली कोशिश जा रही है, डॉट गेंद डाल, पांडे एक और गेंद, ये 6 होना, अरे बाप रे, ये यॉर्कर भाई, लेकिन ये गेंद होती है ऐसे, पता है अगर बॉटम लगा दबी तो फिर गई, और बड़ा हिट तो फिर भाई 6 जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फील्डिंग सेटअप अभी भी अच्छा है, ये स्क्वायर से खेलना, ड्रॉप हुआ, ये कैच ड्रॉप है, कैच ड्रॉप है, मैं 2 लेता हुआ, ओवरथ्रो जा रहा है 4 के लिए, क्या 6 जॉइंट जॉइन हो गए, आखिरी गेंद, और ये है 6, ये है 6, ये है 6, वो भी बहुत क्लोज रहता, वो बाउंड्री पीछे होती तो वन एंड रोकते, या उनटकट फिर से आ गए, ऊंची गेंद, और ये बाउंस ऑफ द कैच, बैक फुट पे गए थे, ऊपर से खेलना चाहते थे गेंद को आज के, अब कंफ्यूजन वही बना हुआ है, और फिर आएगी शॉट पे जाएगी, शॉट पे जाएगी तो ऊपर से खेलना चाहते थे, बैक फुट पे, ये पहली बार मैं ऐसे आउट हुआ हूं, ये पहली बार है मेरा कोशिश, मैंने कोशिश एक्चुअली साइड से खेलने की थी, लेकिन रेंज में आ गया गेंदबाज के, बढ़िया कैच उनटकट, पांडे कौन टारगेट, अभी भी मैं सामने ही खेलने का करता हुआ, ये रेंज में नहीं आ रहा, सही रेंज में नहीं आ रहा, ये किरण कंफ्यूजन बना हुआ है, उसी कंफ्यूजन के बीच में ऑफ साइड पे खेला शॉट, मैं कंफ्यूज था, लेग साइड स्ट्रेट, लेग साइड स्ट्रेट, फाइनली ऑफ साइड 6, जादव जी यहाँ कमाल के मूड में हैं, दूसरा छक्का, पिछली बार भी इन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली, लोग सरप्राइज हुए कमेंट सेक्शन में, चिंता थी क्यू सैमसन की, कम से कम 1-6 और, स्ट्रेट स्ट्रेट 2-2-2-2-2-2-2, भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनिंग क्विक चाहिए यहाँ पे, तेज और तेज, बढ़िया भाई, रन रेट 12 के पहुंच, अरे यार क्या गलत, फील्डिंग सेटअप परफेक्ट, शॉट हमारा 4 के लिए जा रहा है, चलिए बचा, बीच में रुकता तो जाता कहीं ना कहीं, कप्तान कंफ्यूज दिख रहे हैं, फील्डिंग्स बदलते हुए, 9 बॉल दूर रह गया, हमारा फ्रंट फुट नहीं गया, हिट ही नहीं हुआ, गेंद ही हिट नहीं हुआ, वी वांट 6 और ये इच्छा पूरी की है गर्ग ने, लगा दिया है 6, कहीं ना कहीं उस 9 बॉल ने हमें कॉन्फिडेंस दे दिया है, और बैक टू बैक 2-6 प्रियम गर्ग के, वहां रियान पराग थे, यहां प्रियम गर्ग है, सिचुएशन ये है कि इसी ओवर में खत्म किया जा सकता है, ओवर थ्रो नहीं हुई, वाइट वाइट शायद वाइट दे सकते हैं एम्पायर, वाह, इस सीजन के सबसे बड़े रंचीज की तरफ नहीं बढ़ पाए, अभी ये हिट नहीं हो पाया है, 7 गेंदों में अभी भी रह जाते हैं 11,
सेकंड खो दिया है यहाँ पे हैदराबाद ने, ग्राउंड शॉट लेना चाहेंगे अब। सोच ये थी शॉट के साथ कि बस एक हिट कर दो फिर तो भाई खत्म है, फिर तो आप डिफेंड 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 करके दबा दबा के भी ले जाओगे। लेकिन ये शॉट दूर था बल्ले से, गुडलैंड पे फ्रंट फुट पे गए लेकिन शॉट मिस हुआ, गर्ग आउट हो गए। मन में बहुत सारी कुशंकाएं हैं, इन सबको दूर किया, शॉट कवर के ऊपर से खेला है, चार लगा दिया, दूरी इतनी ज्यादा है, फील्डर क्रॉस करते करते पहुंच ही नहीं पाया गेंद के। उनटकट स्ट्रेट हिट, मैं कब से कंप्लेन कर रहा था मेरे स्ट्रेट शॉट नहीं लग रहा, अब लगा भी तो ऐसे वक्त पर कि फिनिश होने वाला है मैच। इस सीरीज का सबसे बड़ा रन चेस से सिर्फ 3 रन दूर हूं। जब दिन अच्छा हो तो सब अच्छा हो। डॉट गेंद, यॉर्कर वही वाइड, यॉर्कर चालू, मिस हुए गेंद को, हिट नहीं कर पाए। चार गेंदों में 3 पुल शॉट, गलत साबित होता हुआ कैच ड्रॉप कर दिया बेटा, आपने मैच गिरा दी, लेकिन रन आउट का भी मौका है, बॉलर की तरफ नहीं कीपर की तरफ देना था। रियल लाइफ और एआई का फर्क मालूम पड़ता हुआ यहाँ पे, रियल लाइफ में भी गलती हो जाती यार, इतना क्लोज मूवमेंट था, कैच ड्रॉप भी शॉकिंग था। स्कोर बराबरी पे, वाइड गेंद हो सकती है और नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अरे रन आउट ना हुई हो, वाइड हुई या नहीं हुई, हमने ये मैच जीत लिया। जी नहीं, वाइड नहीं दी अंपायर ने। आज के बाद अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस सीजन में 200 का रन चेस हमने नहीं किया, यही कर चुका है, अब हमने भी बराबरी कर ली, 4 विकेट की शानदार जीत। अब हुआ ये है कि है राजस्थान का सफर पूरा, टॉप 4 में अब राजस्थान नहीं पहुंच सकते, हैदराबाद ने अपने साथ राजस्थान का भी टिकट बुक करवा लिया है प्लेऑफ से पहले ही घर जाने का। स्टॉक्स मैन ऑफ द मैच ले जाते हुए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत, पर यहाँ पर बहुत सारे इस मैच में तो बहुत सारे परफॉर्मेंस देखने को मिले, सैमसन, स्टॉक्स, पराग, बटलर, विलियमसन, वॉर्नर, पांडे, चलो ठीक है पांडे, जादव भाई एक से बढ़ के एक, लेकिन मैन ऑफ द मैच इसे ही कोई मिल सकता था। रैंकिंग आपके सामने आता हुआ मैं लेता हुआ इसी के साथ आपसे विदा, अपना सपोर्ट, अपना प्यार भाई वीडियोस को जरूर दिखाओ, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो यार वीडियो को, बाकी ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, बाय बाय, टाटा, गुड डे।